हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल MFK व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस आज है सैटरडे 23 जुलाई 2022 और आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को सिवरी की तरफ से। तो गाइस हम लोग सिवरी की तरफ से पूरा इसका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करंट प्रोग्रेस देखेंगे और हम लोग जो सिवरी की तरफ बड़ा इंटरचेंज बनने वाला है उसका भी करंट प्रोग्रेस देखेंगे और वो भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसा वर्क करेगा ये। और उसके अलावा गाइस अभी मैं हूँ ये ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे और मैं कॉटन ग्रीन के डायरेक्शन से सिवरी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिगेस्ट स्किप कीजिए, कि ये पूरा देखिए, इससे मेरे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मेरे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पिलर्स दिख रहे हैं ये जो है जो लोग ईस्टर्न फ्रीवे से मस्जिद बंदर CST की तरफ से आएंगे तो अगर उन लोगों को जाना होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से नवी मुंबई तो ये ईस्टर्न फ्रीवे से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये जो बाजू में जो पिलर दिख रहे हैं जो ब्रिज बनेगा उसी से ऐसा सीधा जाएंगे और उसके बाद ये जो ब्रिज है ये इसका थोड़ा पिलर का हाइट बढ़ जाएगा और ये ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर से राइट मार लेगा, ठीक है। और जो आगे कहाँ से राइट मारेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो बड़ा इंटरचेंज बन रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में उसी के पिलर्स है और यहाँ पे जो पिलर रेडी है पिलर कैप लग चुका है, गाड़ा रखना बाकी है यहाँ पे। तो गाइस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लेंथ होगी 21.8 किलोमीटर की, इसकी जो विथ होगी वो होगी 27 मीटर्स की, इस पर इसका जो लॉन्गेस्ट स्पैन होगा वो 180 मीटर्स का होगा। इसमें जो समंदर में जो पिलर्स बनेंगे वो बनेंगे 1089 पिलर्स बनेंगे। ये जो है 3+3 लेंस का होगा, इसकी जो लाइफ है वो 100+ ईयर्स की होगी। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो पिलर्स की हाइट ज़्यादा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ब्रिज है ये ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर से राइट मार लेगा, उसके लिए उसकी हाइट ज़्यादा है। अब गाइज ये जो राइट साइड में आप लोगों को जो पिलर्स दिख रहे हैं ये किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से नवी मुंबई की तरफ से आएंगे और लोगों को जाना होगा मस्जिद बंदर CST, तो ये जो इसके ऊपर पिलर के ऊपर ब्रिज बनेगा ये डायरेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे पे कनेक्ट हो जाएगा और लोग डायरेक्ट जा पाएंगे मस्जिद बंदर CST ईस्टर्न फ्रीवे से। अब हम लोग राइट मार लेते हैं क्योंकि अपना मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यहीं से राइट जाएगा। अब देखो जो मैंने आप लोगों को बताया जो मस्जिद बंदर की तरफ से आएंगे तो ये ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर से देखो ऐसे ही ये जो पिलर्स है यही जाने वाले हैं राइट साइड में। अब ये मैंने दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ, ये वही पिलर्स है जो मस्जिद बंदर की तरफ से जाएगा। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये जो ब्रिज दिख रहा है ये जो लोग ये डायरेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे पे कनेक्ट हो जाएगा और लोग डायरेक्ट जा पाएंगे मस्जिद बंदर CST, ठीक है। अब आगे जाने नहीं मिलेगा हमें, पूरा मर्ड है तो हम लोग यू टर्न मार लेते हैं। तो हम लोग ने यू टर्न मार लिया है और हम लोग तो आगे जाके अब ये ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे से ही राइट मार के सिवरी के डायरेक्शन में ही जाएंगे। और यहाँ पे भी आगे भी पिलर्स वगैरह है, ब्रिज वगैरह जो बन रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पिलर किस लिए है ये कैसा वर्क करेगा। अब ये जो देखो लेफ़्ट साइड में आप लोगों को जो पिलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग नवी मुंबई की तरफ से आएंगे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से और वो लोग को जाना होगा वडाला जाना होगा या जाना होगा चेंबूर मानकुर तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर जो ये वो जो है वो ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर से डायरेक्ट यहाँ पर आके डायरेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट हो जाएगा ये ब्रिज, तो लोग डायरेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे से जा पाएंगे मानकुर गोवंडी वगैरह, ठीक है। अब ये जो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है ये पिलर्स वगैरह ये देखो ये राउंड जैसा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग आगे जाके यू टर्न मार लेंगे और ये तरफ का भी देखेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा और फिर हम लोग डायरेक्ट सी की तरफ जाएंगे पूरा। तो ये जो ब्रिज है आप लोगों को जो मैंने बताया कि जिन लोगों को जाना होगा मानकुद वगैरह और ये जो इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा ये ईस्टर्न फ्रीवे पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गाडर रखना बाकी है। अब यहीं पे थोड़ा आगे जाके जो सीढ़ी का फाटक है वो है लेफ़्ट साइड में। अब हम लोग है ना यहाँ से यू टर्न मार लेते हैं और ये तरफ का जो भी काम चल रहा है पिलर्स वगैरह वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
तो गाइज ये जो लेफ़्ट साइड में आप लोग अभी पिलर्स दिख रहे हैं ना, तो ये किस लिए है, इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा, मतलब जो लोग मानकोट की तरफ से आएंगे, ठीक है, उनको जाना होगा मुंबई ट्रांसवर लिंक से नवी मुंबई, तो ये ईस्टर्न फ्रीवे डायरेक्ट मुंबई ट्रांसवर लिंक से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट जा पाएंगे नवी मुंबई। तो ये यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गर्डर रखना बाकी है। अब ये ऐसे ही सीधी जाके लेफ़्ट मुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गर्डर रखने का काम चल रहा है, देखो यहाँ पे पिलर रेडी है, यहाँ पे गर्डर रखने का काम चल रहा है। तो आप लोगों यहाँ पे जितने भी एंट्री एग्जिट है वो सब मैंने हम लोगों को बता दिया। हाँ अब देखो यहाँ पे गड्ढा रखने का काम चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक ही एग्जिट अभी है ना, हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ से देखते हैं दूसरी साइड से। अभी हम लोग अंदर की तरफ से देख रहे हैं और यहाँ पे देखो गड्ढा रखने का काम चल रहा है और यहाँ से हम लोग सीधा यानी मतलब इसको फॉलो करते हुए सी की तरफ जाएंगे और पूरा सी की तरफ का भी देखेंगे। उसके अलावा एक जो होगा कनेक्टर, जो लोग वर्ली की तरफ से आएंगे, ठीक है, वर्ली की तरफ से आएंगे तो वर्ली सिवरी एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा है वो डायरेक्ट इसके यहीं से इसी पे कनेक्ट हो जाएगा मुंबई ट्रांसवर बलिंग को, यहीं से जा पाएंगे। मतलब ये जो वर्ली सिवरी एलिवेटेड कॉरिडोर होगा ये अपना मुंबई कोस्ट रोड और मुंबई ट्रांसवर बलिंग को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो आप लोगों को जो पिलर दिख रहे हैं, आप लोगों हाइट पर जो पिलर दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा, तो जो लोग यानी मतलब मैंने बताया वर्ली की तरफ से आएंगे तो वर्ली सिवरी एलिवेटेड यहाँ कॉरिडोर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इससे ईस्टर्न फ्रीवे के ऊपर से आएगा वो, ठीक है। अब ये जो पहला जो है ये एंट्री है वडाला से जो लोग मानकोट की तरफ से आएंगे उसकी, सेकंड जो है वो सिवरी वाली एलिवेटेड कॉरिडोर की है, उसके बाजू में जो रहेगा वो जो लोग मस्जिद बंदर सीएसटी की तरफ से आएंगे ईस्टर्न फ्रीवे से, तो ईस्टर्न फ्रीवे डायरेक्ट मुंबई ट्रांसफर बिलिंग से उसके बाजू में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिज बन रहा है, वो तीसरा हो गया। फिर उसके अलावा ये तो तीन एंट्री हो गई, अब तीन एग्ज़िट भी होगी। अब जो लोग नवी मुंबई की तरफ से आएंगे, ठीक है, आएंगे और जिनको जाना होगा सीएसटी जाना होगा मस्जिद बंदर, उसके लिए एक एग्ज़िट होगा, ठीक है, वहाँ एक बन रहा है। फिर उसके अलावा जो नवी मुंबई की तरफ से आएंगे जिनको जाना होगा वर्ली, तो उसका एक बन रहा है। फिर उसके अलावा जो लोग नवी मुंबई की तरफ से आएंगे और जिनको जाना होगा वडाला, तो एक उसका एग्ज़िट है। हम यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर गैप लग चुका है, गड्ढर भी रखा जा चुका है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था तो उसमें नहीं मतलब गड्ढर रखने का काम चल रहा था, लेकिन अभी फाइनली गड्ढर का काम हो चुका है। मुंबई ट्रांसवर लिंक का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2018 और इसकी जो डेडलाइन है वो है सितंबर 2023, और इस पर जो खर्चा आने वाला है वो है 17,843 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब इसके पैकेज वन की बात करें तो पैकेज वन स्टार्ट होगा सिवरी से और ये जो होगा वो 10.38 किलोमीटर का होगा। इस पर जो कंपनी जो काम कर रही है वो है लार्सन एंड टूब्रो एंड IHI कॉरपोरेशन जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, और जो पैकेज टू है वो 7.8 किलोमीटर का है और जिसमें समंदर के अंदर काम चलेगा। उस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है डाइवो ENC एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर में काम कर रही है। अब इसके पैकेज थ्री की बात करूँ तो उसमें 3.6 किलोमीटर का काम है और उस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है लार्सन एंड टूब्रो। एंड पैकेज फोर की मैं बात करूँ तो उसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड स्टोल एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम है। इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो स्टारबैग एंड एफकॉन इंडिया जॉइंट वेंचर में काम कर रही थी। अभी हम लोग चलते हैं जलाल शाह मुराद शाह दरगाह, वहाँ से इसके आगे का देखेंगे। तो अभी हम लोग हैं जलाल शाह मुराद शाह दरगाह और यहाँ से हमें अच्छा व्यू मिलता है। तो ये यहाँ इससे पहले तक का देखे थे, अब इसके आगे का देखो, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गर्डर भी रखा जा चुका है और यहाँ पे देखो ये मशीन से गर्डर, अभी इसके आगे का गर्डर बाकी है ये तरफ का, देख रहे हो इसके आगे का गर्डर बाकी है। अब यहाँ पे देखिए सब वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस पे टोटल है ना 4 किलोमीटर का स्टील स्पैन लगने वाला है और 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है और इसके अभी एक्सीलरेशन प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब फर्स्ट पैकेज के काम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइल एंड पाइल कैप का 80% काम हो चुका है,
एनपीआर एंड पीआर कैप का 80% काम हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड पैकेज की मैं बात करूँ तो सेकेंड पैकेज में पाइल एंड पाइल कैप का 93% काम हो चुका है और 92% पीआर का काम हो चुका है एंड 78% पीआर कैप का काम हो चुका है। एंड थर्ड पैकेज की मैं बात करूँ तो थर्ड पैकेज का पाइल एंड पाइल कैप का 66% काम हो चुका है एंड 90% पीयर एंड पीयर कैप का काम हो चुका है, ऐसा MMRDA कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने बताया है। तो गाइस बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। और गाइस जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उन लोग को मैं बता दूं कि इस MFK व्लॉग चैनल पे मुंबई ट्रांसफर बाय लिंक का हर महीने करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है। ये तो मैंने सिवरी की तरफ से दिखाया था, उल्वे की तरफ से भी मैं हर महीने दिखाता हूँ, पर अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। उसके अलावा इस चैनल पर मुंबई कोस्टल रोड का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है, ऑल सारी मेट्रो लाइन्स का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है, अरोली कल्याण फ्रीवे का दिखाया जाता है। तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो गाइस देखिए यहाँ पे फुल यानी मतलब पूरा रेडी है, पिलर रेडी है, पिलर गैप लग चुका है, गर्डर का थोड़ा रखना बाकी है। और इस बार मैं बोर्ड स्पीड बोर्ड से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से बंद है बोर्ड, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा।